हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज शोन बिलो। मतलब कि 1 पास्कल दिया हुआ है इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। अब बोला गया है कि मास ऑफ एयर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मास अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करना स्टार्ट करें तो मास क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1034 ग्राम। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करें तो वह ये हो जाएगा 1.034 केजी। ठीक है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी। ठीक है, एम इंटू जी। अब यहाँ पे मास हो गया हमारा 1.034 केजी, और जी जो है जी का वैल्यू क्या कितना आता है, जी का वैल्यू होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10.143 न्यूटन। ठीक है, अब एरिया जो है, एरिया अगर हम लोग सपोज कर लो, यहाँ पे बोला है कि प्रेशर डिफाइंड फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो अगर हम लोग एरिया अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालते हैं, एरिया इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया कि अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻⁴ मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है का, तो ये इंटू एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा इसी चीज से, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 10⁻⁴ मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर से हम लोग प्रेशर देखते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स का जो वैल्यू हम लोग निकाले वो कितना निकाले हम लोग, 10.143 न्यूटन, और एरिया का वैल्यू निकाले 1 × 10⁻⁴ मीटर। तो यहाँ से हम लोग, सॉरी मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर, नॉट मीटर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो ये वैल्यू मीटर स्क्वायर में आ गया। तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया, तो इसी को हम लोग 0.135 × 10⁵ पास्कल बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को बोला गया है कि कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल, पास्कल में हम लोग को फाइंड करना था, तो पास्कल में ये हमारा आ गया 1.013 × 10⁵ पास्कल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।